हे कृष्णा, आज हम सुनेंगे स्कंद षष्ठी की कथा। तो चलिए कथा सुनते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन स्कंद भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। पंचमी से युक्त षष्ठी तिथि को व्रत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। व्रती को पंचमी से ही उपवास करना आरंभ कर देना चाहिए और षष्ठी को भी उपवास रखते हुए स्कंद भगवान की पूजा का विधान है। स्कंद षष्ठी पर पूजन करते समय शंकर पार्वती जी को पूजा जाता है। इसमें स्कंद देव की स्थापना करके पूजा की जाती है और अखंड दीपक जलाए जाते हैं। भक्तों द्वारा स्कंद षष्ठी महात्म्य का नित्य पाठ किया जाता है। भगवान को स्नान, पूजा, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन भगवान को भोग लगाते हैं। इसमें साधक तंत्र साधना भी करते हैं। इसमें मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का संयम रखना आवश्यक होता है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। कार्तिकेय की जन्म कथा के विषय में पुराणों से ज्ञात होता है कि जब दैत्यों का अत्याचार और आतंक फैल जाता है और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है, जिस कारण सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी रक्षार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि तारक का अंत भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु सती के अंत के पश्चात भगवान शिव गहन साधना में लीन रह रहे हैं। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं, तब भगवान शिव उनकी पुकार सुनकर पार्वती से विवाह करते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करवाते हैं। ऐसे मिला कार्तिकेय नाम। इसके पीछे क्या कथा है? स्कंद षष्ठी के संबंध में राजा सरयाति और भार्गव ऋषि च्यवन का भी ऐतिहासिक कथानक जुड़ा है। कहते हैं कि च्यवन ऋषि देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने स्कंद षष्ठी की उपासना की, जिसके बाद च्यवन ऋषि की आँखों की ज्योति प्राप्त हुई। ब्रह्मवेद पुराण में बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रिय व्रत का मृत शिशु जीवित हो जाता है। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान करा रक्षा की थी। इनके 6 मुख हैं और इसीलिए उन्हें कार्तिकेय नाम से पुकारा जाने लगा। स्कंद षष्ठी का महत्व कहते हैं, स्कंद षष्ठी के अधिदेव भगवान शंकर हैं। देवताओं ने इन्हें अपना सेना पतित्व प्रदान किया। मयूर आसन पर विराजित कार्तिकेय देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर यह मुरुगन नाम से विख्यात है। स्कंद पुराण के मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय ही हैं तथा यह पुराण सभी पुराणों में सबसे विशाल है। तो बोलिए भगवान शिव एवं कार्तिकेय की जय।